आप अपने लाइफ में अक्सर वर्ड राइट का यूज करते हैं, क्या आपको पता है वर्ड राइट एक नाउन है, एक वर्ब है, एक एग्जेक्टिव है और एक एडवर्ब भी है, और इन चारों सूरत में इनका अलग अलग मीनिंग होता है। यानी वर्ड राइट का मीनिंग कभी अधिकार, कभी सही, कभी आगे की ओर और कभी ठीक करना होता है। तो आइए फ्रेंड देखें किस तरह आप वर्ड राइट का यूज राइट तरीके से करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए फ्रेंड्स आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड राइट का यूज आप एक नाउन के जैसे कैसे करेंगे। जब वर्ड राइट का यूज आप एक नाउन के जैसे करते हैं तो उसका मतलब होता है हक या अधिकार, जैसे तुम्हें यह करने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू डू दिस। तुम्हें यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है, यू हैव नो राइट टू कम हियर। तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, यू हैव नो राइट टू स्पीक। तुम्हें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है, तो सेंटेंस करिए आप कहेंगे यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर, यानी तुम्हें दखल अंदाजी करने का कोई हक नहीं है। अगर आपको कहना हो कि यह न्याय है या इंसाफ है तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज राइट, यानी या न्याय है या इंसाफ है। आइए फ्रेंड देखिए वर्ड राइट का यूज आप एक वर्ब के जैसे कैसे करेंगे। जब वर्ड राइट का यूज आप एक वर्ब के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है सुधारना, जैसे अपनी गलतियों को सुधारो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे राइट योर रॉन्ग्स, यानी अपनी गलतियों को सुधारो, अपने सेंटेंसेस को सुधारो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे राइट योर सेंटेंसेस, यानी अपने सेंटेंसेस को सुधारो, अपनी आदतों को सुधारो, राइट योर हैबिट्स, यानी अपनी आदतों को सुधार लो। जब वर्ड राइट का यूज हम एग्जेक्टिव के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है सही, जैसे आप सही हैं, यू आर राइट, वह सही है, ही इज राइट, मैं सही हूँ, आई एम राइट। आइए फ्रेंड्स अब लास्ट यूज देखते हैं। जब वर्ड राइट का इस्तेमाल हम एक एडवर्ब के जैसे करते हैं तो इसका मतलब होता है आगे की ओर, जैसे अगर आपको कहना हो कि आगे जाओ और बाएं मुड़ो, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गो राइट एंड टर्न लेफ्ट, यानी आगे की ओर जाओ और बाएं मुड़ो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वर्ड को शानदार तरीके से समझा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कई बार कमेंट बॉक्स में लोग पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर वर्ड राइट का इस्तेमाल वर्ब के जैसे हुआ है या नाउन के जैसे, एडजेक्टिव के जैसे हुआ है या एडवर्ब के जैसे। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आप सीखेंगे एक कंप्लीट लर्निंग, यानी वहां आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। तो अगर आप अभी तक इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां आप लिंक को फॉलो करते हुए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।